पेट्रोल ही खत्म हो गया क्या? खत्म भी होता है क्या पेट्रोल पंप पे कभी? मखनिया लस्सी वो ऑर्डर करिए और ग्रीन सैलेड, देखते हैं दोनों चीज़ कैसी होती है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, इट्स योर फ्रेंड तनिक कुमार और आज हम आ गए हैं अपनी न्यू वीडियो में, यानी कि जयपुर टू मुंबई सीरीज़ की फोर्थ वीडियो में, और करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो गाइस अब हम आ चुके हैं अजमेर से थोड़ा आगे और अब बस कुछ ही देर में हम उदयपुर के मेन रोड पे आने वाले हैं। उससे पहले मेरे को एक ब्रेक भी लेना है, काफ़ी देर हो गई है ड्राइव करते हुए मेरे को, और पेट्रोल भी डलवाना है। मैंने सुबह ही पेट्रोल डलवाया था, अब अजमेर के आगे आके मैं सेकंड अपना पेट्रोल डलवा रहा हूँ। एंड प्लीज़ डू चेक आउट माई अदर वीडियोज़ जयपुर टू मुंबई सीरीज़ की। अगर आपने अभी तक मेरी पहली वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो गाइज़ वो ज़रूर देखिएगा। जस्ट सिंपली आई बटन पर क्लिक करिए और मेरी अदर वीडियोज़ भी ज़रूर देखिए। चलिए पेट्रोल पम्प तो मिल गया है, अब बस यहाँ से डलवाते हैं पेट्रोल एंड देन कंटिन्यू करते हैं जर्नी। अब कहाँ गए यार ये लोग, दिख ही नहीं रहे यहाँ पे। तो क्या हुआ, पेट्रोल खत्म? मेरा तो हो गया, टाटा बाय बाय। भैया आगे अगला पेट्रोल पंप कितना दूर है? पेट्रोल पंप तो बहुत दूर है। बहुत दूर है, जय बजा में आएगा। कितना किलोमीटर है? 25-30 किलोमीटर। पीछे और था ना, वो बंद है क्या? राइट साइड में क्या? ये है लोकेशन, यहाँ जाना है। यस, गलती से इधर उधर ना निकल रहे। नहीं यार आगे जाऊंगा, उधर यहाँ तो है नहीं, आगे भर ले। हाँ चलो चलो ठीक बढ़िया। सो इस पेट्रोल पंप पे तो पेट्रोल मिला नहीं, अब थोड़ा आगे बताया है कि 1 किलोमीटर के आसपास है, देखते हैं। ओ भाई ओपी, ये वही बच्चा है अभी जिससे मैं बात कर रहा था पीछे, और ये मेरे को कह रहा था कि आप बहुत तेज चलाते हो भैया, एंड लुक एट हिम नाउ। अरे यार एटलीस्ट हेलमेट तो लगा लेता यार, और आई गेस ही अंडर एज है, ये 18 का भी नहीं लग रहा है मेरे को। खैर नॉर्मल है ये तो राजस्थान में देखना। चलो पेट्रोल पम्प तो मिल गया अपना, 1 किलोमीटर के आगे ही आ गया ये, अब बस यहाँ मिल जाए पेट्रोल। अरे यार पेट्रोल ही खत्म हो गया क्या? खत्म भी होता है क्या पेट्रोल पंप पे कभी? अरे बाप रे, अब आगे कितना दूर है? एक ही 1 किलोमीटर दूर, उसके आगे भी और है ना? चलो बढ़िया। चलते हैं अभी भाई, पेट्रोल ही खत्म हो रहा है, इतना महंगा शायद अब पता चल रहा है क्यों हो रहा है, दो दो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ही नहीं है। लगता है पहली वाली वीडियो का गलत ही टाइटल रख दिया मैंने, पेट्रोल नहीं मिला। इस वाली वीडियो का रखना चाहिए था वो नाम।
पेटीएम हो जाएगा ना भैया, पेटीएम नहीं, हजार का हा? हजार का फुल। यही है ना स्कैनर। भैया धीरे धीरे कर दो, हजार का ही कर दो पूरा। चल सही है, भैया दूसरा नोट दे दो यार, टेप लग रहा है पीछे, फट जाएगा जेब में। और थैंक यू। चलिए पेट्रोल तो डलवा लिया है, अब दोबारा से लोकेशन लगा के ओके, लोकेशन डन। बहुत गर्मी हो रही है, बस थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, पानी भी अब तो गर्म हो गया है, फिर चलते हैं। चलते हैं, थैंक गॉड यहाँ पे हमारे को पेट्रोल मिल गया। अब चलते हैं आगे और कहीं आगे रुक के अच्छी सी जगह पे कुछ खाते पीते हैं। बाइक को भी थोड़ा शेड मिल जाएगा तो थोड़ा सा ठंडी हो जाएगी, बहुत गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा लिटरली। बहुत गर्मी हो रही है तो मैंने यहाँ की स्पेशल लस्सी, मखनिया लस्सी, वो ऑर्डर करी है और ग्रीन सैलड। देखते हैं दोनों चीज़ कैसी होती है। उतनी देर में मैं अपना डेटा भी ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। यमी, ज़्यादा भूख तो लग नहीं रही है, इतने से मेरा तो काम हो जाएगा। सो फाइनली वी आर रेडी, चलते हैं। और ग्रीन सैलड भी बहुत अच्छा था और लस्सी तो क्या कहने, बहुत टेस्टी थी सही में। और ठंडी इतनी थी तो गर्मी में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को। और अब चलते हैं उदयपुर का सीधे ही, अब ये रोड है 127 किलोमीटर्स है यहाँ से उदयपुर, शाम से पहले पहुँचना है उदयपुर। वैसे काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया ये मेरा, इतना लंबा मेरे को चाहिए नहीं था पर डेटा के कारण बहुत दिक्कत हो गई, डेटा बहुत ज़्यादा स्लो मेरा ट्रांसफ़र हो रहा था। बट अब मेरे कैमरे के अंदर स्पेस है अच्छा खासा तो 4 घंटा तो अब खींच ही लूँगा। चलते हैं, वैसे ठीक था, वर्थ था इतना लंबा ब्रेक लेना। मैंने घर पे भी बात कर ली और एक फ्रेंड को वीडियो कॉल भी कर लिया, दोनों चीज़ें साथ में हुई, रेस्ट भी हो गया।
तो अभी दिन के 2 बज रहे हैं और उदयपुर यहाँ से 90 किलोमीटर है और अहमदाबाद है हमारा 340 किलोमीटर। तो उदयपुर तो मैं पहुँच जाऊँगा कुछ घंटों में, और मेरे को शाम से पहले 6-7 बजे के आसपास मेरे को अहमदाबाद पहुँचना है ताकि स्टे अपन आराम से और अच्छी जगह कर पाएँ। बस एक बार अभी सैडल बैग चेक कर लूँ, काफ़ी दिक्कत आ रहा है मेरे को, हल्का हल्का आवाज़ भी आ रहा है पीछे से। सो चलिए चलते हैं अब। एक्सट्रीम में ये एक अच्छा बात है कि क्लच पूरा नहीं खींचना पड़ता है, अगर क्लच मैंने आधा भी छोड़ दिया तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और गियर चेंज करना होता है तो उसके लिए क्विक शिफ्टर तो हम यूज़ कर ही सकते हैं बिना क्लच के गियर चेंज कर ले। पानी पी लेते हैं और थोड़ा पानी भर भी लेते हैं और बैग भी अपना सेट कर लेते हैं। So now we are ready, चलते हैं। So अब उदयपुर से हम ज़्यादा दूर नहीं हैं, बस कुछ ही देर में हम उदयपुर भी पहुँच जाएंगे। So जयपुर टू मुंबई सीरीज़ की इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। और तुम्हारे भाई का चैनल है दोस्तों, ज़रूर सपोर्ट करना, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं जयपुर टू मुंबई सीरीज़ की तो प्लीज़ डू वॉच देम, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। Careful with your pretty eyes and run with me, you're done. 'Cause you and I